दोस्तों ये कहानी है ऐसे इंसान की जिसने एक ऐसे भारत में जन्म लिया जहां समाज के उच्च वर्ग के लोग गरीब दलित वर्ग पर विशिष्ट अत्याचार शोषण कर रहे थे, लेकिन समाज का अपमान तिरस्कार के बावजूद उन्होंने ऐसी शिक्षा हासिल की जिसकी बदौलत वो भारत के संविधान के निर्माता बन गए। दोस्तों मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर राव अम्बेडकर की, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ गाँव में हुआ। पिता राम जी, माँ लोजी सतपाल, माँ भीमा बाई की 14वीं संतान के रूप में हुआ। उनके पिता ब्रिटिश सेना में मूस छावनी में एक सैनिक थे। परिवार महाजाति से था जिसे लोग बेहद ही अछूत मानते थे। उनका परिवार मराठी का था जो महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले में अंबावाड़ी का गांव में था। सेना में काम करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर के पिता सूबेदार बन गए थे और वह हमेशा से अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे। कुछ दिन बाद उनके पिता सेना से रिटायर हो गए और परिवार को लेकर सतारा चले गए, जहां अम्बेडकर साहब की मां का देहांत हो गया। और मां के देहांत के बाद अम्बेडकर साहब और उनके भाई बहन की देखभाल उनकी चाची किया करती थी। छुआछूत को अपनी ही मानसिकता की वजह से डॉक्टर भी अछूतों का बिना छुए ही इलाज करते थे, जिसके कारण अम्बेडकर के 14 बहन भाई में से 3 भाई और 2 बहनें ही बच पाईं। बाकी 8 बहन भाई शोषण के कारण मारे गए। आस पड़ोस में सभी हिंदुओं के बच्चे स्कूल जाते थे, जिन्हें देखकर साहब भी मनीमन कुटा करते थे। फिर उन्होंने अपने पिता से जिद की कि उन्हें भी स्कूल जाना है, लेकिन अछूत होने के कारण स्कूल में दाखिला मिल पाना मुश्किल था। मजबूर होकर उनके पिता एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी के पास गए और उनसे विनती की कि उन्होंने जीवन भर सरकार की सेवा की है और बदले में उनके बच्चों को स्कूल में दाखिला भी ना मिल पाना एक बहुत ही बड़ा अन्याय होगा। इसके बाद उस अधिकारी ने उनके बच्चों को स्कूल में दाखिला दिला दिया, लेकिन यहाँ अम्बेडकर जी को छुआछूत के ऐसे कड़वे अनुभव हुए जो वह जीवन भर नहीं भूल पाए। अम्बेडकर जी स्कूल तो जाते थे, लेकिन दलित बच्चों को क्लास के अंदर बिठाया जाता था और टीचर उन पे कोई ध्यान नहीं देती थी। यहाँ तक कि अम्बेडकर जी को कोई छूता तक नहीं था। प्यास लगने पर स्कूल का चपरासी दूर से पानी डालता था, क्योंकि मटके को छूना और गिलास से पानी पीने की इजाजत नहीं थी। और जिस दिन चपरासी नहीं आता उस दिन अम्बेडकर जी को पूरा दिन प्यास से ही गुजारना पड़ता। भीम स्कूल जाते समय पास के कुएं से पानी खींच कर पी लेते। कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें ऐसा करते देख लिया। फिर एक दिन भीम को उसी कुएं पर पकड़ लिया गया और जूते चप्पल से उनकी पिटाई की गई और इस शर्त पर छोड़ा गया कि फिर कभी इस कुएं से पानी नहीं पिएगा। इन घटनाओं से भीम के स्वाभिमान को बहुत गहरी ठेस पहुंची। उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं। भीम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे ताकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। भीम ने सुन रखा था कि सतारा जाने वाले लड़कों को मुंबई जाकर काम मिल जाता है, इसलिए उन्होंने तय किया कि वह मुंबई जाकर मिल का काम करेंगे, लेकिन मुंबई जाने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे। भीम ने सोचा कि चाची के बटुए से पैसे चुराकर मुंबई चले जाएंगे। भीम ने 3 रात लगातार पर्स चोरी करने की कोशिश की जो उनकी चाची की कमर से बंधा रहता था, लेकिन वह पर्स चुराने में नाकाम रहे। उसके बाद उन्होंने एक नई योजना बनाई जिसने उनके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। उन्होंने निश्चय किया कि पढ़ लिख कर रोजगार करेंगे और अपने अंदर की सभी बुरी आदतों को छोड़ देंगे। किस्मत ने भी उनका साथ दिया। उनके सूबेदार पिता रिटायर होने के बाद नौकरी की तलाश में मुंबई जाकर बस गए और यहीं के मराठा स्कूल में भीम का एडमिशन कराया। यहाँ पर उन्होंने बहुत सी किताबों का अध्ययन किया। अपनी पढ़ाई के अलावा वह बहुत से ग्रंथ और बुक्स पढ़ने लगे। उनकी इस आदत से बुक्स पढ़ने का शौक लग गया। उनके पिता पर यह शौक काफी महंगा पड़ रहा था, लेकिन वह चाहते थे कि भीम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उन्होंने कर्ज लेकर भीम को मुंबई के हाई स्कूल में भेजा, लेकिन यहाँ भी छुआछूत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक बार टीचर ने उनको गणित का एक सवाल हल करने को कहा। जैसे ही भीम बोर्ड की तरफ बढ़े तो हिंदू बच्चे चिल्ला उठे, सर भीम अछूत है। और इसी तरह उन्होंने हाई स्कूल पास किया। ये थी SM News की रिपोर्ट।